सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है अगर किसी और को मतलब कि अपने मोबाइल के अलावा अगर किसी और मोबाइल में हम किसी और को जो है वाईफाई कनेक्ट करके देते हैं अपना, तो उस पर जो है हमारे मोबाइल की स्पीड जो मतलब हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो हमने जिसको दूसरे मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके दिया हुआ है अपना, उसकी अगर हम लिमिट सेट करना चाहेंगे, मिसाल तौर पर अगर हमारे पास 10 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम चाहते हैं कि जिस दूसरे मोबाइल में हमने जो है वाईफाई कनेक्ट करा हो उसमें हम सिर्फ उस बंदे को 1 MB दें या 2 MB दें, तो लिमिट आप राउटर के जरिए किस तरह से सेट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, और आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैग जी सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम इसकी वीडियो शुरू कर लें। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है ब्राउजर ओपन कर लिया, आप लोगों के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल है, सेम मेथड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेम यही तरीका आप लोगों ने अप्लाई करना है। मेरे पास लैपटॉप में जो है गूगल क्रोम इंस्टॉल है, आप कोई सा भी ब्राउजर है ओपन कर सकते हैं, क्रोम, मोजिला, ओपेरा, जो भी आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे सर्च बार में आके यहाँ पर आप लोगों ने अपने राउटर की IP लिख लेनी, जो भी आप लोगों का राउटर है, TP लिंक है, टेंडा है, जो भी है वाटर, उसकी जो है IP यहाँ पर आप लोगों ने लिख ली। मेरे पास मर्कुजेस M305R है, मर्कुजेस का राउटर है मेरे पास, तो मैं इसकी IP यहाँ पर लिख लेता हूँ 192.16। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो है राउटर की IP आ चुकी है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग अपने इंटरनेट की जो है स्पीड चेक करा दूँ, मेरे पास 10 Mbps का कनेक्शन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइड पर जो आप लोगों को स्पीड शो हो रही है मेरे इंटरनेट की, मेरे पास 10 Mbps का कनेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है अपने लैपटॉप में पूरे 10 MB चलें और मेरे मोबाइल में जो है मैं चाहता हूँ कि 2 MB या 1 MB चलें। तो मैं आप लोग अभी लाइव जो है इसमें स्पीड लगाकर दिखाऊँ कि आप लोग जो है वाईफाई की स्पीड किस तरह से ला सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग IP सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से लॉग इन पासवर्ड मांगेंगे, आप लोग के राउटर में जो यूज़र नेम पासवर्ड मांग सकता है, तो आप लोगों ने जो भी इतना यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ आप लोगों ने यहाँ पे, ज़्यादातर यूज़र नेम पासवर्ड जो है एडमिन होता है, तो मैं यहाँ पे जो अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम जब अपने राउटर के मेन पेज पर लॉगिन हो चुके हैं, इंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास होस्ट डिवाइस में जो है 2 डिवाइस कनेक्ट है, एक मेरा अपना लैपटॉप कनेक्ट है और दूसरा मेरा मोबाइल कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा होगा रेट और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ब्लॉक को आप लोगों ने छोड़ देते हैं, ब्लॉक को नहीं छेड़ना आपने, क्योंकि यहाँ पे अब स्ट्रीम हमारी कहलाती है, जो अपलोड हमारी जो स्पीड होती है जब हम इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करते हैं, तो अपलोड स्पीड जो आती है वो हमारी कहलाती है अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम हमारी कहलाती है डाउनलोडिंग स्पीड, जब हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो डाउनलोडिंग में जो स्पीड आती है हमारी वो कहलाती है हमारी डाउन स्ट्रीम, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो अब आप लोगों ने सेट करनी है लिमिट, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं इसकी लिमिट को नहीं छेड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ पूरे 10 Mbps की स्पीड जो है मेरे पास मुझे लैपटॉप में मिले, ठीक है। अब मैं मोबाइल में चाहता हूँ कि मेरे पास जो है 2 MB आए इंटरनेट स्पीड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करता था, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 KBPS। KBPS का मतलब होता है किलोबाइट पर सेकंड, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने वैल्यू को आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिमिट सेट करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे 100 KBPS लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप 0 की जगह अगर यहाँ पर 100 लिखते हैं इस तरह, तो 100 का मतलब होता है 1 Mbps। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हैं 200, मतलब कि 200 KBPS, 200 का मतलब होता है 2 MBPS, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है इस वैल्यू को ठीक तरीके समझना है, मतलब कि आप लोग अगर यहाँ पे 100 लिखते हैं तो 1 MB स्पीड जाएगी, 200 लिखते हैं तो 2 MB स्पीड जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है KBPS में स्पीड आप लोगों ने लिखनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में जो है 2 MB की अप स्ट्रीम जाए, मतलब कि अपलोड जो है स्पीड मेरे पास 2 MB की जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में दोबारा हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं। एरो पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यार मेरी जो है डाउनलोडिंग स्पीड जो है मेरे पास 4 MB जाए, मतलब कि जो हम डाउनलोडिंग करेंगे इंटरनेट से वो हमारे पास जो है 4 MB की स्पीड से हो। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे एक जैसी वैल्यू लिखना, एक जैसी लिमिट सेट करना, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 200, तो यहाँ पे 200 लिख सकते हैं, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400 लिख सकते हैं आप लोग। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो स्पीड थोड़ी सी आगे पीछे करी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम दोबारा जो है मोबाइल में स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लाइव आप लोगों को जो है स्पीड लिमिट सेट करके भी दिखाई और टेस्ट करके भी दिखाई है। मैंने जो है यहाँ पे 4 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड लगाई थी, तो 3 पॉइंट समथिंग जो है स्पीड हमारे पास आई थी, जो कि 4 Mbps ही, वो आप लोग मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जिसकी भी आपने लिमिट सेट करी होगी उस पर आप लोगों को थोड़ी सी स्पीड जो है कम या ज़्यादा शो करवाया, लेकिन वो एक्चुअल में जो है 4 MB ही होगी। उसके अलावा अपलोड भी हमारी पूरी 2 MB आई है, वो जो है थोड़ी बहुत स्पीड जब आप अपने मोबाइल में लैपटॉप जिसकी भी हम जो है इतना स्पीड लिमिट सेट करते हैं उस पर जो है
उसकी स्पीड जो है हमारे पास शो नहीं होती नेट की, हमारे पास मोबाइल की, अगर हम मोबाइल की साइड करते हैं तो मोबाइल की स्पीड जो हमारे पास नेट, जब हम स्पीड टेस्ट करेंगे तो उसकी जो है लिमिट हमारे पास शो नहीं होगी। लेकिन एक्चुअल में जितनी आप लोगों ने स्पीड लगाई होगी, 2 MB, 3 MB, 1 MB, 4 MB, तो उतनी जो है आपके पास पीछे से जो है स्पीड आप लोगों के पास पूरी आ रही होगी। मोबाइल में भले से आप लोग अगर स्पीड टेस्ट करते हैं उसमें आप लोगों के पास कम ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह से जो है आप लोग मर्क्यूरियस के राउटर में जो है स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं वाईफाई किसी भी। इंशाल्लाह अगर मेरे पास कोई और सा राउटर अरेंज होता है, टीपी लिंक या टेंडर या कोई सा भी राउटर अरेंज होता है, तो मैं उसकी भी आप लोग को जो है एक वीडियो बना के दिखा दूँगा कि आप लोग उस पर भी लिमिट किस तरह सेट कर सकते हैं। हर राउटर का अलग अलग तरीका होता है, हर राउटर का अलग मेथड होता है स्पीड लिमिट सेट करने का। इसका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल आसान और ईजी सा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।